press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. छपरा न बॉम्बे जिम छपरा एवं INIFD पटना के प्रयत्नों से पहली बार सोनपुर मेला में रविवार 1 दिसंबर को शाम 5 बजे एक फैशन शो का आयोजन किया जा रहा है। बॉम्बे जिम को सोनपुर मेला की पृष्ठभूमि में डिजाइनर्स डे की उद्घोषणा करने में बहुत हर्ष महसूस हो रहा है। यह फैशन शो बिहार के कारीगरों एवं उनकी उल्लेखनीय कारीगरी जैसे भागलपुरी रेशम, खादी और मधुबनी कला का सम्मान करने का एक प्रयास है। आधुनिक फैशन और परंपरा के अनूठे संगम की INIFD इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन पटना के 10 प्रतिभाशाली डिजाइनर्स द्वारा यह प्रस्तुति इस क्षेत्र में पहली बार हो रही है। इसका आयोजन एक प्रोफेशनल टीम के द्वारा किया जा रहा है। नागपुर से प्रसिद्ध शो डायरेक्टर श्री खिजा हुसैन एवं दिल्ली से फैशन स्टाइलिस्ट रेनू सिंह और राष्ट्रीय स्तर की मॉडल्स शनाया वर्मा, मिस नॉर्थ इंडिया 2017 पीयूषी बंसिया, प्रंजलि पुरकायस्थ इत्यादि इस आयोजन का हिस्सा होंगे। जिला प्रशासन के सहयोग से इस फैशन शो के लिए एक विशेष 40 फुट रैंप, प्रोफेशनल साउंड सिस्टम, लाइट सिस्टम का इंतजाम किया गया है, जिससे कि ये शो देश विदेश के बड़े आयोजन के स्तर का हो। आयोजकों की अपेक्षा है कि ज्यादा से ज्यादा दर्शक आकर इस फैशन शो का आनंद उठाएं। इस उपलक्ष्य पर स्थानीय सांस्कृतिक समूह अपनी कला का प्रदर्शन भी करेंगे। अतुल कुमार, बॉम्बे जिम छपरा के निदेशक के अनुसार, यह फैशन शो बिहार के युवा द्वारा आयोजित बिहार की कला एवं संस्कृति का एक भव्य आयोजन है। हम बॉम्बे जिम के माध्यम से छपरा सारण के कार्य क्षेत्र की स्थानीय प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए सतत प्रयासरत हैं। इस साल फैशन जगत की नामचीन हस्तियां इस फैशन शो में आकर बिहार को गौरवान्वित कर रही हैं। यह सारा आयोजन जिला प्रशासन और INIFD पटना के प्रतिभाशाली छात्रों की मेहनत से संभव हो पाया है। INIFD पटना की निदेशक श्रीमती प्रेरणा अग्रवाल कहती हैं, हम फैशन क्षेत्र की एक अग्रणी संस्था है। सोनपुर मेला जैसे बड़े मंच पर हम अपने डिजाइनर्स को प्रस्तुत करने में गर्व महसूस भी कर रहे हैं। कमलजीत सिंह जी जैसे प्रसिद्ध डिजाइनर भी इस मंच पर मौजूद होंगे और इस शो का मान बढ़ाएंगे। प्रस्तुत करना चाहते हैं वही फैशन है। अपनी परंपरा में रह कर भी कैसे अलग अपने संस्कृति का प्रदर्शन कर सकते हैं, उसको उसका भी एक मायना होता है फैशन में, वही यहाँ पर होने लगे। एज अ मेंटोर, एज अ इन सारे डिजाइनर्स को ऊपर से देखने के लिए, गाइड करने के लिए आ रहे हैं, वो अपने वस्त्र, अपना कलेक्शन नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं। उनका कमलजीत सिंह जी आ रहे हैं जो कि मंच पे रहेंगे और इनफैक्ट वो रैंप वॉक भी करेंगे हमारे लिए करेंगे हमारे। और उन्होंने अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित जैसे बड़े बड़े कलाकारों के कपड़े डिजाइन किए हुए हैं। पर ये मतलब इसमें कंफ्यूजन ये नहीं होना चाहिए। पिछली बार किकबॉक्सिंग में भी काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी, पर छपरा से लोगों का परसेंटेज कम रहा। तो इस बार मैं चाहता हूँ कि आप लोग मदद करें और छपरा के लोग आएँ और ये फैशन शो देखें, क्योंकि ये एसेंशियली छपरा का फैशन शो है। बेगूसराय में चर्चित सोना लूट कांड मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। 12 नवंबर की सुबह घटी इस घटना में अपराधियों ने करोड़ों रुपए का सोना लूटने के दौरान जहां चालक को गोली मार कर हत्या कर दी थी, दो सोना व्यवसायियों को गोली मार कर जख्मी कर दिया था। पुलिस के लिए चुनौती बना यह मामला जिले का चर्चित कांडों में से एक था, जिसमें आज पुलिस ने 14 किलो 700 ग्राम सोना बरामद किया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने 4 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से पुलिस ने लूट के वक्त इस्तेमाल मोटरसाइकिल, 2 देसी कट्टा और 13 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। इस मामले में बेगूसराय के DIG राजेश कुमार का कहना है कि स्पीडी ट्रायल चलाकर अपराधियों को फांसी की सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। बेगूसराय पुलिस ने जिले के चर्चित लूट कांडों में से एक सोना लूट कांड के मामले का उद्भेदन करते हुए इसे बड़ी सफलता मान रही है। इस मामले में पुलिस ने 4 अपराधियों को जहां धर दबोच है, वहीं इनके पास से 14 किलो 700 ग्राम सोना भी बरामद किया है। सोना के साथ 4 अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में SP अवकाश कुमार और DIG राजेश कुमार इस पूरी घटना की खुद मॉनिटरिंग कर रहे। इस मामले में एक SIT टीम भी बनाई गई थी जो लगातार इन पूरी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुई थी। पुलिस के अनुसार यह एक ब्लाइंड केस था, जिसे डिटेक्ट करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस लूट कांड में शामिल पुलिसकर्मियों को बेगूसराय के DIG ने सम्मानित करने की बात कही है।
बेगूसराय खगड़िया के डीआईजी राजेश कुमार ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस इस घटनाक्रम की तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। बतौर डीआईजी राजेश कुमार ने बताया कि लूट कांड के बाद पीड़ित ने मात्र 9 किलो 600 ग्राम सोना की लूट का ही है दर्ज कराया है, जबकि 14 किलो 700 ग्राम सोना लूटी गई थी जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। राजेश कुमार का कहना है कि पुलिस इस मामले की भी जांच करेगी कि व्यवसायियों ने किस परिस्थिति में दर्जे फायर में कम सोना दर्शाया था। इस लूट कांड का पर्दाफाश करते हुए डीआईजी ने कहा है कि इस मामले में गिरफ्तार अपराधियों को स्पीडी ट्रायल चलाकर फांसी की सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी के माध्यम से कि आखिर क्यों दर्ज में कम सोना दर्ज कराया गया। कहा है कि इस कांड में 9 किलो और 100 ग्राम सोना ही ये फायर में दर्ज किया गया था, कर रहे थे खुद सोना लूट कांड मामले के उद्भेदन के लिए रात दिन मॉनिटरिंग कर रहे थे। बताते चले कि अलग अलग घरों में सोना छिपाकर रखा गया था। मालूम हो कि गढ़हरा ओपी क्षेत्र के ठाकुरीचक में बाइक सवार बदमाशों ने 12 नवंबर को दिन दहाड़े क्रेटा कार सवार 2 स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारकर घायल कर 14 किलो 50 ग्राम सोना लूट की बड़ी घयत्न को अंजाम दिया था। अपराधियों ने दिन दहाड़े घटना को अंजाम दिया था। इस घटना में अपराधियों ने कार ड्राइवर को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। अपराधियों की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई थी। सोना बरामदगी के बाद बेगूसराय पुलिस राहत की सांस ले रही है। जानकारी के अनुसार लूटी गई सभी सोना को पुलिस ने बरामद कर लिया। सोना लूट कांड के मुख्य आरोपी आकाश कुमार एवं कंचन पासवान, शिवम कुमार और राजेश कुमार शामिल था। इस कांड में राजेश कुमार लाइनर का काम किया था। बेगूसराय पुलिस इसे एक बड़ी सफलता मान रही है। वही पुलिस का कहना है कि इस कांड के उद्भेदन से अपराधियों में दहशत व्याप्त होगा। बेगूसराय से राजीव झा की रिपोर्ट। को पकड़ा गया है और जो सोना है 14 किलो 700 ग्राम के लगभग वो बरामद हुआ है। 2 हथियार भी बरामद हुए हैं, 12 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल थी वो भी बरामद की कर ली गई है और इसके पश्चात मोबाइल भी इसमें घटना में यूज हुए थे वो बरामद किए गए हैं। तो इस घटना में जो बरामदगी है वो टोटल 100% कर ली गई है, जितनी बल्कि FIR में था उससे भी ज़्यादा बरामदगी इसमें की गई है, लगभग 1.5 गुना ज़्यादा। तो उसके बारे में अनुसंधान में पता लगाया जाएगा कि FIR में जो विक्टिम थे उनके द्वारा किस वजह से कम दर्शाया गया। परंतु ये इतनी बड़ी घटना होने के पश्चात इसमें लगातार छापामारी के पश्चात जो सारे अभियुक्तों की गिरफ्तारी, क्रिमिनल्स के अपराधियों की गिरफ्तारी और जो बरामदगी की गई है ज्वेलरी की, वो अपने आप में बहुत अचीवमेंट का काम है जिसके लिए पूरी टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। इस घटना के डिटेक्शन से मुझे लगता है कि पूरी जिले की पुलिस का मोराल बहुत अप है, बहुत ऊपर है और अपराधियों के बीच में दहशत है और इसी तरह से आगे भी अभियान चलता रहेगा ताकि कोई भी अपराधी अगर किसी भी तरह का क्राइम करने का सोचता है तो बिल्कुल उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि इनका ट्रायल चलाया जाए। जो अभियुक्त पकड़े गए हैं इनको ट्रायल चलाएं और 2 महीने के अंदर ही हम इनको या तो फांसी की सजा दिलाएं। सहरसा जिला के सदर थाना क्षेत्र के इस्लामिया चौक के समीप एक अपराधियों ने गोलू यादव को मारी गोली, अभी गंभीर हालत में सीनियर हॉस्पिटल में चल रही इलाज। सहरसा से अमीर आजाद की रिपोर्ट। शुक्रवार को संग्रामपुर प्रखंड के कुसमार पंचायत किसान भवन में किसान चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल की अध्यक्षता प्रखंड प्रभारी कृषि पदाधिकारी सुनील कुमार ने की। वही आयोजित किया गया जिसका कि आज अंतिम दिन हो गया। इससे पहले बारी बारी से प्रखंड के 10 पंचायत में किसान चौपाल का आयोजन किया गया है, जिसमें कि किसान को रबी फसल के सारी योजनाओं के जानकारी देते हुए बीज उपचार से लेकर फसल काटने तक एवं फसल लगने में लगने वाले कीट के रोकथाम के लिए जैविक खाद एवं रासायनिक दवा का प्रयोग सही मात्रा में देने के लिए सुझाव दिया गया। वही आत्मा के बालमुकुंद सिंह ने बताया कि जैविक खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया गया। पुआल को खेत में जलाने से होने वाला नुकसान के बारे में बताया गया। श्री कुमार के द्वारा मुख्यमंत्री जल जीवन हरियाली योजना बागवानी मिशन के तहत मिलने वाला अनुदान के बारे में बताया गया और जल संचय योजना प्रधानमंत्री मानधन योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दिया गया। सभी बातों का बस एक ही उद्देश्य है कि किसान का आमदनी को बढ़ाना। इस कार्यक्रम के मौके पर धर्मेंद्र कुमार, साहिल कुमार, अमन कुमार, विजय कुमार, परिदर्शी कुमार, राजेश कुमार एवं दर्जनों किसान उपस्थित थे। मुंगेर जिला के संग्रामपुर से रोहित कुमार की रिपोर्ट। बिहार सरकार के द्वारा
दिया गया निर्धारित डेट के अनुसार समय समापन आज किया जा रहा है। इस तरह जो है दसो पंचायत में किसान चौपाल का कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें किसान को रबी फसल के अंतर्गत जितने भी रोग व्याधि से लेकर मृदा परीक्षण तक सारी जो है क्रिया को विस्तार पूर्वक एक्सपर्ट के द्वारा बताया गया, ताकि किसान को उन्नत खेती आधुनिक खेती अपना सके एवं अपने आय में वृद्धि कर सके। मतलब ये जितना भी तरह का कार्यक्रम चला इससे मतलब एक ही इसका उद्देश्य था कि किसान एक ही उद्देश्य है कि रासायनिक खाद का कम से कम प्रयोग कर जैविक खेती अपना कर और किसान अपने लाभ को। तो पहला फंक्शन मेरा ट्राइकोडर्मा का होगा, उसके बाद क्रमशः मैं सारी दवाइयों का प्रयोग करूंगा। तो ट्राइकोडर्मा जब हम डालते हैं तो ट्राइकोडर्मा 1 किलो 20 के लिए 5 ml दवाई। प्रेस द बेल आइकन ऑन YouTube एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।